धनबाद नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही भावी पार्षद प्रत्याशी का क्षेत्रीय भ्रमण का दौरा शुरू हो गया है। अंगारपथरा में रविवार को भावी पार्षद प्रत्याशी फूल कुमारी का क्षेत्रीय दौरा रहा, जिसे अंगारपथरा के ग्रामीणों ने बैठकर यहां के समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने अंगारपथरा के सड़क, नाली, बिजली, पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए भावी पार्षद प्रत्याशी फूल कुमारी से अपील की। भावी प्रत्याशी फूल कुमारी ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूँ। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल तानाशाही पूर्ण रहा है। एक तुगलकी फरमान के तहत निवर्तमान मेयर धनबाद नगर निगम के माध्यम में जो काम होना चाहिए था वो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। चाहे वह पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या फिर नली गली की हो, समस्या जस के तस है। जो सुविधा नगर निगम से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। बताइए क्या सोच करके आप चुनाव लड़ने आ रही हैं? महिला सीट हो गया है और महिला सीट होने के कारण मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई हूँ। और मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और मेरा जितना भी यहाँ वार्ड 5 में है सभी लोग गरीब घर के ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन में माँ बहनों का आशीर्वाद लेके वार्ड 5 का भावी पार्षद के रूप में खड़ा हुई हूँ। और मैं जानती हूँ कि वार्ड 5 की जितना भी महिला है, माताएं हैं, सभी कोई हमें आशीर्वाद दे करके जरूर समर्थन करेगी। पिछले 10 सालों में वार्ड 5 का विकास नहीं हुआ, अगर आप जीते तो क्या जनता आप उम्मीद रखेगी कि विकास होगा? हाँ, हम जानते हैं कि गरीब परिवार में पला और बड़ा होना और गरीबी का जीवन क्या होता है इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार की महिला हूँ, बेटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के प्रति कुछ ऐसा करूँ कि मेरी महिला जितना भी है सब जागरूक हो और अपने आसपास वो खुद मजबूत होकर के विकास कर सके। पार्षद जीता है, सगुरों से जीता, हम लोग खड़ा होकर जितवाए हैं, तो हम लोग के मोहल्ले में इतना कचरा और इतना गंदगी में रहेंगे कैसे रहेंगे? स्कूल टूटल है, कब बच्चा कोई बात हो जाए की हो जाए, आजकल पार्षद घूर के देखा है इसको पलट के कि अंगार पत्रा में देखे कि का है बना का बनाया तब पूरा बस्ती का पानी देखी कैसन ये कोई बात के बात हुआ है क्या? तलुकले नहीं बोला, अब तो हम लोग को मौका दिया हम लोग के बोलने का।